नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नेचुरल तरीके से हम कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2-3 दिन पहले ना मेरे पास एक भाई का कमेंट्स भी आया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि भाई उनका ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, उसको कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इसके बारे में ना वो जानना चाहते थे। तो आज इस वीडियो में ना मैं उन्हीं उपायों के बारे में ना बात करूँगा, कि 2-4 ऐसे उपाय आप लोगों को मैं बताऊँगा जिनको अपना करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल है ना वो कम कर सकते हैं। उपायों को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे है और आखिर वो है क्या। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल एक वसा की तरह होता है जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, जिसका निर्माण हमारा लीवर के द्वारा भी होता है और कुछ हमारे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। यह एक मोम की तरह से दिखने वाली वसा होती है और इसकी जो थेरापेटिक रेंज होती है ना, जो एक लेवल होता है इसका हमारी बॉडी के अंदर, वो 62-130 होता है भाई। इससे कम और ज़्यादा होने पर ना ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो इससे ना हमें हृदय से संबंधित बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। कौन दोस्तों, ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उनकी अगर हम बात करें ना, तो जो पशुओं से मिलने वाले जो फूड होते हैं, जैसे कि भाई हमें जो मीट है, मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा जो चिकन है उसमें थोड़ा सा कम होता है, फिश है, फिश के अंदर थोड़ा सा कम, उससे भी चिकन से थोड़ा कम होता है। और इसके अलावा जो अंडे का येलो वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसकी। और आज के टाइम में अधिकतर लोग हैं ना इन्हीं फूडों का सेवन करते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेरियन फूड भी हैं जिनसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आप ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी बॉडी के अंदर वसा बढ़ सकती है। तो ये एक रेंज में अगर रहता है तो अच्छा है, अगर रेंज से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे लिए ना हृदय से संबंधित बीमारियां पैदा कर सकता है। तो आज कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ है, उनके लिए कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको अपना करके आप निश्चित ही आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नेचुरल तरीके से आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना चाहते हैं ना, तो इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है गार्लिक, जिसको हम लहसुन भी बोलते हैं। ये हर घर में, हर किचन में हमें उपलब्ध मिलता है, हर परिवार के लोग ना इसका सेवन करते हैं भाई। और यह हमारे खाने को जितना स्वादिष्ट बनाता है ना, उतना ही हमें औषधीय गुण भी ये देता है। लहसुन की 2 से 3 कली अगर हम डेली खाएंगे ना, तो इससे ना आप देखेंगे कि भाई कुछ ही दिनों में आपकी रिपोर्ट के अंदर आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा है वो है मेथी दाना। मेथी दाने के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के ना बहुत अच्छा यौगिक पाया जाता है। आपको डेली 10 ग्राम मेथी दाना सोने से पहले भिगो करके रखना है और सुबह उठने के बाद खाली पेट उन दानों को अच्छे से चबाना है, उसको खाना है, और उसके बाद में जो उसका पानी है उसको आपको पीना है। अगर आप डेली 10 से 15 दिन ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो कोलेस्ट्रॉल है कम से कम 15 से 20% कम आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा है वो है ओट्स। दोस्तों, ओट्स के अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, हमारी जो पाचन क्रिया है उसको दुरुस्त करने में भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने के बहुत ही अच्छे यौगिक है इसके अंदर। तो इसको भी हमें अपने खाने में ऐड ज़रूर करना चाहिए, हमें डेली ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है आंवला। दोस्तों, आंवला के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का बहुत ही अच्छा साधन है ये। तो इसको भी हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कच्चा खाना पसंद करते हैं तो वो डेली 1 से 2 आंवले ज़रूर खाएं। इसके अलावा इसका जो सूखे का जो पाउडर है वो डेली आप 10 ग्राम एक छोटी चम्मच उसका प्रयोग करें, गर्म थोड़े गुनगुने पानी के साथ आप इसका प्रयोग करें और देखें कि फिर आपके बॉडी के अंदर आपको
खुद को आपको पता लगेगा कि कुछ बदलाव आपकी बॉडी के अंदर हुआ है। अगर आप इनमें से किसी भी उपाय को प्रयोग में लाते हैं ना, तो उससे पहले एक बार आपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर ले भाई, क्योंकि हर इंसान की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, हर इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अलग होता है। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ना, तो कमेंट्स जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के एक बार फिर दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।